हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मैं हूँ ब्रिजेन, आप सभी का चिरपरिचित दोस्त। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये हमारा वीडियो शिक्षक भर्ती परीक्षा स्पेशल है। इसमें मैं आपको शिक्षण, जीवन कौशल और प्रबंधन संबंधी मॉक टेस्ट दूंगा। और इससे पहले मैंने जीवन कौशल के 3 मॉक टेस्ट आपको दिए थे और ये उसी कड़ी का 4th मॉक टेस्ट है। तो इस मॉक टेस्ट को भी अच्छे से अटेम्प्ट करें और इसमें जो प्रश्न मैंने दिए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि परीक्षा आपकी 27 मई को संभावित है। तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है नियोजन। अब ये है तो सिंपल सिंपल प्रश्न, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे तब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में स्ट्रक करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इन सभी को जितना ज़्यादा आप बार बार देखेंगे, बार बार रटेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए दिखने में तो आसान हो सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होंगे तब ये कठिन होंगे। इसलिए सारे प्रश्नों को बहुत ही सीरियसली आप तैयार करें, सबको अच्छे से प्रिपेयर करें। लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है, ये कथन किसका? बहुत ही फेमस है, बहुत ही इजी भी है, अब्राहम लिंकन जी का है। विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है, ये कथन किसका है? हेरोल्ड कीजन। दोस्तों, स्टेटमेंट का भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए स्टेटमेंट को भी आप तैयार करते चलें। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। स्कूल और समुदाय में संबंध बनाना संस्थागत योजना के किस क्षेत्र में आता है? तो ये पाठ्यक्रम सहगामी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विद्यालय प्रबंधन का दायित्व तो किसका होता है? बहुत ही इजी, सबको पता होगा, प्रधानाचार्य या प्राचार्य का होता है। शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है, ये कथन किसका? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। EW फ्रैंकलिन का है और ये पूछा जाएगा, ऐसा मान के चलिए। उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी, 1981 में। भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता, ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत बार मैंने अपने मॉक टेस्ट में दिया, बहुत ही संभावित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्वामी विवेकानंद जी का ये एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी तर्कसंगत है, जब उन्होंने कहा था, और आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी तर्कसंगत ये प्रतीत होता है। कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसे होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। किस आकार का भवन संभव नहीं है? डी आकार का भवन संभव नहीं है। प्रबंधन विद्यालय की सर्वांगीण विकास की प्रकृति क्या है? कला। कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को शिक्षक चलाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ, विद्यालय अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, और ये बहुत बार मैंने अपने मॉक टेस्ट में शामिल किया हुआ है। देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध किससे है? देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध दूरदर्शन से है, दूरदर्शन को देशव्यापी कक्षा कक्ष कहते हैं। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा, ये कथन किसका? ये रायबर्न का, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं? उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। विद्यालय की दूसरी घड़ी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार मैंने अपने मॉक टेस्ट में इसको जगह दी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो विद्यालय की दूसरी घड़ी है समय सारणी, टाइम टेबल। टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसकी विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है, ये कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डॉक्टर जसवंत सिंह का स्टेटमेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा ये। आगे है समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसका कथन है? RC फॉक्स का कथन है। कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? तो ये इसका आंसर है वाद विवाद। जी हाँ, इसका आंसर है वाद विवाद। वाद विवाद जो है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया के द्वारा हमारी तर्क शक्ति डेवलप होती है।
भारत में शिक्षा के किस स्तर पर समस्याएं अधिक कठिन एवं गंभीर हैं? तो इसका आंसर है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर भारत में शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं वास्तव में काफ़ी कठिन है और काफ़ी गंभीर है। तो ये इसका आंसर है प्राथमिक स्तर। तो दोस्तों ये थे मॉक टेस्ट 4K 1 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जीवन और शिक्षण कौशल से रिलेटेड। इनको ज़रूर याद रखिए, इनको आप बार बार देखिए, इनको तैयार करिए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब समय नहीं है। आप इनकी PDF फाइल चाहें तो PDF फाइल मंगा सकते हैं। अगर आपको इसको तैयार करना है तो थोड़ा बहुत आपको स्मार्ट प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से आपको PDF फाइल लेकर के इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, अगर आपको PDF फाइल की ज़रूरत है तो 9450407079 इस मोबाइल नंबर पे आपको WhatsApp करना होगा। WhatsApp पे ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि PDF फाइल कैसे मिलेगी, क्या चार्ज होगा। दोस्तों इसी तरह से सारे मॉक टेस्ट के ज़रिए मैं PDF फाइल के ज़रिए और आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने का मेरा पूरा प्रयास है। और निश्चित रूप से आप सफल होंगे अगर आप सारी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं और रिविज़न कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद।